जैसे मेरे को एक लास्ट पूछा गया था कि भैया अगर ऑफर के ऊपर ऑफर मिल गया, अगर मेरी करंट एग्जिस्टिंग कंपनी मुझे इतना ऑफर दे देती तो क्या मैं रुक जाऊं वहां पे? तो बहुत अच्छा सवाल था उनका। देखिए How are you? Yeah, I'm doing good. That's good. Divakar, to begin with, you know, we are a startup company, so we can actually discuss about your skill sets rather than discussing about what happened 10 years before. So I think we are good to go with the technical round of interview. Yeah, sure. You have mentioned you worked with Java, PHP and Python before, right? How many years of experience in that? Yes, I have 5 years of experience in programming. That's good, because this position is for a full stack developer and we are looking for somebody who is having a very strong background in Oracle and Microsoft SQL. Also, a cloud migration project is in the pipeline, so any additional knowledge with Azure and AWS is really beneficial. Ma'am, regarding that cloud... Yeah, with one of our crucial projects as well, we will require your involvement in Angular and React Nginx administration. And though we are a startup company, as I mentioned before, we still follow the process. So any additional knowledge with the Git, CI and TDD is mandatory. Do you have anything else to say? Actually, we are the ones who ask that question when we do the interview. I have to mention one other thing as well. We have recently implemented the CI/CD pipeline with Kubernetes and Docker. So additional knowledge on that is also really, really helpful. Ma'am, wait. Actually, you're not looking for a full stack developer. You're looking for an entire IT department. तो ये स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। दिस इज़ ब्लॉग नंबर 9। ये मेरे पास एक व्हाट्सएप पे शेयर हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं इसे आपको दिखाता हूँ, अपने जो एपिसोड्स बनाता हूँ उसके अंदर, और अपना थॉट प्रोसेस बताता हूँ। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था जब मैंने लास्ट अभी दिसंबर में रिज़ाइन किया था, तो बहुत सारी कॉल्स आती थी HR वगैरह की, तो वो ऐसे कहते थे ये भी पता होना चाहिए, वो भी पता होना चाहिए, मतलब चीज़ों का एंड नहीं है। फिर बंदा सोचता है कि यार और ज़्यादा लगता है मुझे तैयारी की ज़रूरत है, या मतलब बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ जाती हैं जब ऐसे सब कुछ ही आपसे एक्सपेक्ट कर लिया जाता है। तो जी स्वागत है आपका, दिस इज़ ब्लॉग नंबर 9, और आज इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। बाकी जिसका ये वीडियो है मुझे तो व्हाट्सएप के थ्रू आया था, बाकी मैं जो भी वीडियो पे लिखा हुआ है क्रेडिट दे दूंगा यार, कहीं आपको लगे कि मैं ऐसे वीडियो उठा के डाल रहा हूँ। जो भी जिसका वीडियो है उसका क्रेडिट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो टाइम हो गया है, एक बज चुका है, संडे का दिन है और आज है 25 तारीख, 25 अप्रैल, और लॉकडाउन दोबारा से लग चुका है 3 मई तक। ठीक है जी, ध्यान रखिए अपना, काफ़ी क्रिटिकल टाइम है अभी दिल्ली में, खास तौर पे काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो ठीक है। अब वापस चीज़ें तो देखो यार, अच्छी तो क्या, अभी चीज़ें थोड़ी सी ख़राब ज़्यादा हैं, तो ध्यान रखिए अपना भी और अपनी फैमिली का भी, और सेफ़ रहिए, घर पे रहिए। घर पे हैं तो आप सेफ़ हैं, बाहर जाएंगे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क है, और फिर बाहर से जब आप घर आएंगे तो कुछ रिस्क लेके आ सकते हैं, तो इसलिए ट्राई कीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंसी ना हो तो घर पे रहिए। और अभी एक ऐसा टाइम है, ऑफिस भी आपका घर से ही चल रहा होगा, तो जो चीज़ें चल रही हैं घर से करते रहो, और साथ में अपनी लर्निंग को भी आप करते रहो, और क्योंकि अब आप ऑफिस जाते हैं, ट्रैवलिंग टाइम, वो सब चीज़ें आपका बचेगा ही बचेगा, तो घर बैठ के जितना हो अपनी नॉलेज को यू नो इंक्रीज़ कर सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, कैमरा सेटअप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना, ठीक है, कमेंट जरूर करना। मैं ये सब इसलिए बोलता हूँ ताकि जस्ट यू नो नेक्स्ट व्लॉग के लिए मेरे को मोटिवेशन मिलती है और मैं और अच्छा कॉन्टेंट बना पाता हूँ। टारगेट करते हैं इस व्लॉग पे 2000 लाइक्स का, और मुझे उम्मीद है कि हम कर देंगे। कैमरा सेटअप करता हूँ, फिर इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फ्रेशर और एक्सपीरियंस किस तरीके से आपको यू नो HR जब ऐसी चीज़ें बोलता है तो आपको कैसे टैकल करनी है, और कैसे आपको बात करनी है उनसे, और आपको कितना स्पेसिफिक रहना है कि हाँ मैं इस चीज़ में हूँ तो इस चीज़ में हूँ, और ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आओ जी बैठो, बात करते हैं फिर। जैसा अभी आपने वीडियो में देखा, तो जब मुझे शेयर हुआ था व्हाट्सएप पे, मैंने कहा यार ये भी सही है। तो मेरे साथ ऐसा एक इंस्टांस हुआ था अभी जब मैंने दिसंबर में रिज़ाइन किया था, तो बहुत सारी कंपनीज कॉल कर दी थी, और एक कंपनी का कॉल आया, वो जो प्रोजेक्ट था वो US बेस्ड था, मतलब जिस कंपनी में मुझे जाना था तो जो प्रोजेक्ट था, जो क्लाइंट था, वो US का था। तो उन्होंने कहा था कि आप जो मुझे रोल दे रहे थे वो टीम लीड का दे रहे थे, ठीक है, जैसे मेरा एक्सपीरियंस हो गया 3.5 साल 4 साल के आसपास का, तो मुझे रोल मिल रहा था टीम लीड का, और उसमें कहा था कि आपको एज अ टीम लीड काम करना है, और आपके पास 3-4 जावा के डेवलपर होंगे, और पर ये है कि जो आपकी अवेलेबिलिटी है वो हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। इसका मैं समझ गया कि इसका मतलब जो ये प्रोजेक्ट है ये सपोर्ट वाला है, सपोर्ट डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट होता है ना जो मिक्स चलता है, ये वो था।
उसके बाद जो डिमांड थी, जैसे जावा भी कह रहे थे, रिएक्ट भी कह रहे थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इंक्लूड कर दी थी। जैसे अभी इस वीडियो में देखा आपने, CI/CD DevOps वाली चीज़ें भी ले आए, तो पूरा फुल स्टैक तो चलो ठीक है, अब और चीज़ें भी आपको DevOps भी आना चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा। अब HR से बात हो रही थी तो ये सब चीज़ें वो बता रहे थे। अब यहाँ पे HR की गलती नहीं होती है, HR तो टेक्निकल नहीं है यार, तो होता क्या है कि उनको जो कहा जाता है ऊपर से मैनेजमेंट से कि ये सब चीज़ें बंदे को पता होनी चाहिए, तभी आपको आगे राउंड के लिए उसको रिकमेंड करना है, मतलब तभी आपको आगे राउंड पे उसको भेजना है अगर उसको ये सब चीज़ें पता हो तो। मैंने कहा नहीं भाई, फिर तो मैं तो ये हो गया कि मैं कंपनी के लिए बिक गया पूरा, ठीक है, बाकी घर बार तो कुछ है नहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत कैलकुलेटिव होती हैं, देख के चलना पड़ता है। बट मैं आपको बताऊँ एक रियलिटी, ये बहुत ट्रू है, बहुत बार ठीक है जो कीवर्ड्स वो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कीवर्ड होना चाहिए CV में, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये चीज़ पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है तो उस केस में आप येस बोल सकते हो। अब जैसे इस वीडियो में देखा आपने कि उसने कहा कि यू आर लुकिंग यू नो कि पूरा आप एंटायर डिपार्टमेंट ही IT डिपार्टमेंट यू नो आप देख रहे हो, सो बट वो बंदा फुल स्टैक के लिए आया था। तो यहाँ पे अगर आप ऐसा फुल स्टैक जा रहे हो, अगर आपको DevOps CI/CD के बारे में पता है तो आप वो हाईलाइट कर सकते हो कि मुझे आइडिया है बट प्रैक्टिकल इतना नहीं पता है, या मैंने प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं किया है, बट अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं कर सकता हूँ, बट मैं अभी जो ये इंटरव्यू देने आया हूँ ये इस प्रोफाइल के लिए देने आया हूँ, फुल स्टैक आया हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट एक इंजीनियर हूँ, जावास्क्रिप्ट डेवलपर हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। अब ये जो मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ ये आप फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपने जो प्रोजेक्ट बिल्ड किया होगा अपने कॉलेज टाइम पे या जो भी आपने कॉलेज के बाद किया है वो आप उसके बेस पे आप इंटरव्यू देने आए हो, और HR से आपको बहुत क्लियर बोलना है। अब सर अगर मैं क्लियर बोल दूंगा तो शायद मेरा शॉर्टलिस्ट ना हो CV, तो उस केस में जितने भी उन्होंने 10-15 कीवर्ड्स उन्होंने मेंशन किए हैं जो आपको पता होने चाहिए, और उसमें से आपको 10 का आइडिया है बाकी का आइडिया नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि मुझे उन सब चीज़ों का वैसे पता है क्या होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब जैसे मेरे पास जो हैंडसोन है वो React.js पे है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का मुझे आइडिया है, React पे मेरे हैंडसोन है, तो मेरे को जब इंटरव्यू कॉल आते थे तो मुझे वो कहते थे कि आपको एंगुलर पता है, मैंने कहा एंगुलर का मुझे आइडिया है, कैसे स्ट्रक्चर काम करता है क्या है वो मुझे आइडिया है, बट मेरे पास जो प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है जो नॉलेज है वो React की है, एंगुलर पे मेरे पास कोई प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है। तो मैं इस तरीके से आंसर करता था कि वो राउंड में कन्वर्ट हो जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप HR से बात कर रहे हो, क्योंकि HR टेक्निकल नहीं है, उसको जो बोला गया है वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, आपको ये पता है, आपको ये पता है, तो जो आपको पता है आपको बहुत क्लियरली ऑनेस्टी के साथ बताना है, जो आपको नहीं पता है तो वो आपको ये बोलना है कि मुझे आइडिया है इस चीज़ का, ठीक है। समटाइम ये भी होता है कि हम बोल देते हैं कि हाँ देखो सब पता है, और बाय चांस अगर आपका इंटरव्यू क्लियर भी हो जाता है, क्योंकि राउंड कौन लेने वाला है नहीं पता है, जो GD बनाया गया है किसने बनाया नहीं पता है, तो बहुत बार ऐसे केसेस भी होते हैं कि आप राउंड क्लियर कर लेते हो और जब आप कंपनी में जाते हो काम करने तो चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं, और फिर लोग चार दिन बाद, 5 दिन बाद रिज़ाइन मार रहे होते हैं कि भाई समझ नहीं आ रहा हिसाब किताब, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की जा रही है, पैसा ज़रूर मिल रहा है बट चीज़ें बहुत ही हेल्प भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे केसेस भी होते हैं। तो इस केस में आपको बताऊँ जो बड़ी MNC कंपनी होती है वहाँ पर ये सब खेल नहीं होता है कि आपसे सब कुछ एक्सपेक्ट कर लिया जाएगा, या फिर स्टार्टअप में कुछ ऐसे स्टार्टअप्स भी होते हैं कि आपसे सब कुछ एक्सपेक्ट कर लिया जाता है। जो बड़ी MNCs होती हैं, जो अच्छे स्टार्टअप होते हैं, वो पर्टिकुलर डेडिकेटेड प्रोफाइल के लिए बंदे को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिएक्ट में अच्छा है तो उनको रिएक्ट का बंदा ही चाहिए। अब आप देखिए अगर आप एक बंदे में सब कुछ ढूंढेंगे तो आप उससे फिर एक जो होता है ना परफेक्शन वाला काम वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, कि वो बैक एंड में भी अच्छा है, वो फ्रंट एंड में भी अच्छा है, उसमें टीम लीड वाली क्वालिटी भी है, आप सबसे सब चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपसे कोई ऐसे HR बात कर रहा है कि थोड़ा बहुत चलता है कि हाँ जैसे CI/CD है डेवलपमेंट के साथ ही है कि अब थोड़ा सा डेवलपमेंट प्रैक्टिस चेंज हो गई है, बट थोड़ा बहुत चलता है, पर ये कहें कि आप AWS भी आपको पता होना चाहिए, ये भी वो भी, तो फिर उस केस में आपको बहुत अपना डिसीजन ध्यान से लेना है उस कंपनी में, बेशक आपको पैसे एक्स्ट्रा दे रही हो, ऐसा ना हो कि बाद में आपको रिज़ाइन करना पड़े, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जब आप बात कर रहे हो तो उससे आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि, और कंपनी के बारे में सारी डिटेल आपको ग्लास डोर पर मिली जाती है, सारी चीज़ें आपको पता है वहाँ पर दिखी जाती हैं, क्या है, क्या पास्ट है इनका, क्या एग्जिस्टेंस है, कितना रेवेन्यू है, कैसे ग्रो कर रही है, कितना डाउन है, वो सब आप ग्लास डोर पर चेक कर सकते हो, लिंक्डइन पर पढ़ सकते हो, उनके रिव्यूज़ पढ़ सकते हो, उसके बेस पर आप आइडिया लगा सकते हो। तो ये जो वीडियो मैंने दिखाया जस्ट आपको एक एग्जांपल देने के लिए बताया, जितने हमारे फ्रेशर्स हैं जो अभी कॉलेज में हैं तो डरने वाली बात कुछ नहीं है। अगर आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हो या पर्टिकुलर लैंग्वेज जो भी कर रहे हो उसको आपको ध्यान से एक प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे
अब यहाँ पे दो चीज़ें, अगर आपको कोड वेब डेवलपमेंट में जाना है तो आप पर्टिकुलर रिएक्ट पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें पढ़ रहे हो, उन सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हो, आप DS भी साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। अब DS क्या एक सोचने का वे है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर मुझे यहाँ लगाना चाहिए, कौन सा मेरा कोड कैसे वेल ऑप्टिमाइज होगा, चाहे मैं रिएक्ट भी पढ़ रहा हूँ चाहे मैं जावास्क्रिप्ट भी पढ़ रहा हूँ। मुझे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप एक बात बताओ भैया, क्या मुझे DS और CP कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अलग अलग सीखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। DS में क्या है कि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स हैं, CP क्या है, यू कैन से कुछ कपल ऑफ प्रॉब्लम है उस जगह आपको वो DS वाले चीज़ें लगानी है, या कहीं भी अगर आपको कोई लॉजिक आपने लिखा हुआ है उसको आप कैसे वेल ऑप्टिमाइज कर सकते हो, तो हमारे पास DS के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये मैंने जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको दिखाया, बस मुझे ये मैसेज आपको देना था कि यार एक चीज़ आपको बहुत क्लियर रखनी है कि जो आपको आता है वही आपको बेचना है। आप किसी कंपनी के लिए यार एक, ठीक है आप काम कर रहे हो, पैसे ले रहे हो, ठीक है, और ये नहीं है कि आप उस कंपनी के ही हो गए, ये काम भी नहीं करना है। जितनी चीज़ें आपको पता है, अगर आप ऐसा फुल स्टैक गए हो तो क्लियरली आपको जो मेन फोकस रहना चाहिए, मैं फुल स्टैक के लिए आया हूँ, मुझे ये चीज़ें पता है, आप जो AWS बोल रहे हो ये सब चीज़ें बोल रहे हो, अगर मुझे काम करने का मौका मिलता है आपके साथ तो मैं बिल्कुल, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, मैं इस चीज़ें सीखूंगा और मेरे लिए लर्निंग और मेरे लिए इससे ऑप्शन अच्छा क्या होगा कि अगर आपकी कंपनी मुझे ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेगी। बट अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये सब चीज़ें मैं साथ लेके आऊँ और इस फ्रेशर लेवल पे या 3 साल के एक्सपीरियंस में लेके आऊँ, तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग 3 साल के एक्सपीरियंस में सब चीज़ें एक्सप्लोर करके आएंगे एक कंपनी के अंदर। क्या पता कोई बंदा खाली रिएक्ट पढ़ के आ रहा हो, क्या पता कोई बंदा खाली जावा करके आ रहा हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल। मेरी एक एजेंसी से बात हो रही थी कुछ टाइम पहले, तो वो एक रिक्रूटमेंट कंपनी थी, तो वो क्या करते हैं कि जैसे उनके पास बहुत सारे CVs हैं, ठीक है, अब मेरे पास आया, उन्होंने कहा जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैंने कहा बताइए, तो उन्होंने मुझे CV दिखाए बहुत सारे, तो उसमें कहा था कि इन ये कुछ CVs हैं इनमें ये टेक्नोलॉजी है, हमें बंदे ही नहीं मिल रहे हैं। अब कैसे मिलेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आप एक बात बताओ, आप 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप कह रहे हो कि इतने सारे स्किल्स होने चाहिए, यार इस बंदे ने काम ही नहीं किया होगा इन सब स्किल्स के अंदर। तो ये कभी कभी इस तरीके की वजह से लोगों को राउंड में चांस नहीं मिल पाता। बेशक अगर आप में काबिलियत है, पोटेंशियल है, बट मिल नहीं पाता क्योंकि वो HR आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा कुछ। HR अब यहीं आप बोल सकते हो कि मुझे आइडिया है, अब यहाँ पे फिर HR ऐसा ही फीडबैक आगे देगा। मैंने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ भी दिए हैं कि जैसे मैंने उस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया बट मुझे आइडिया था थ्रू माय यू नो YouTube नॉलेज, और मैंने इंटरव्यू दिए। सिलेक्शन और रिजेक्शन अलग चीज़ें होती हैं, बट मैंने इंटरव्यू दिए, तो ये भी एक तरीका होता है कि आप HR को कैसे कन्विंस कर रहे हो, कैसे उसे बोल रहे हो कि हाँ मेरे को आइडिया है, मैं कर लूँगा, मुझे नॉलेज है उस चीज़ की। तो वो कहेगा ठीक है मैं आपका राउंड करवा देती हूँ, या वो आगे ऐसा ही फीडबैक देगा, वो कहेंगे चलो ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं बंदे को, फिर वो इंटरव्यू लेंगे, उस टाइम पे चीज़ें फिर अपने आप अलग हो जाती है कि उनको क्या पता मैं पसंद आ जाऊँ, मेरा बोलने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका, उनको लगता है कि हाँ ये कर लेगा, फिर वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उसके बेस पर जज कर लेंगे, हाँ इसको इतना पता है, बाकी हम सिखा देंगे, बाकी काम करके सीख जाएगा, अगर 4-5 दिन एफर्ट लगाएगा सीख जाएगा, तो एक वैसा माइंडसेट बन जाता है। तो ऐसा ही मैंने देखा है कि पहले मुझे HR ने मना किया, फिर मैंने उसे थोड़ा कन्विंस किया, समझाया, उसको समझ आई बात, उसने फिर आगे मेरा रिज्यूमे जो भी मैनेजमेंट से बात करी, फिर मैनेजमेंट के साथ मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप कैसे आंसर कर रहे हो। अब जैसे वो अभी ये जो आपने देखा इसमें, तो इस वीडियो में जस्ट एक एग्जांपल दिया है, बट ऐसे बहुत सारे केसेस आपको डेली लाइफ में देखने को मिल सकते हैं जब आप स्विच के टाइम पे या फ्रेशर लेवल पे जाते हो। फ्रेशर से भी एक्सपेक्ट कर लिया जाता है, अगर आप किसी स्टार्टअप में जा रहे हो तो आपसे एक्सपेक्ट कर लेंगे हाँ जी भाई आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अब भाई फ्रेशर तो घबरा जाएगा, यार मैं नहीं कर रहा IT, भाई भैया छोड़ो यार ये तो, बट ऐसा नहीं होता है, घबराने वाली बात नहीं है। कभी भी आपका एक्सपीरियंस जो होता है कुछ बंच में होता है, ये नहीं कि आप एक कंपनी से ऐसा एक अपना बिलीव बना लो, कपल ऑफ जगह इंटरव्यू दो, चाहे वो स्टार्टअप हो या बिग MNCs हो, उसके बेस पे यू कैन डिसाइड एंड थिंक कि हाँ मेरे लिए ये, हाँ अब ये कुछ ये समझ आ रही है। हर कंपनी ऐसी नहीं होती है, तो हर कंपनी का अलग अलग है। इसलिए कहता हूँ कि जब भी आप कोई इंटरव्यू देने जाओ तो पहले ग्लास डोर पे, लिंक्डइन पे एक्सप्लोर कर लो। आजकल तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ओपन है यार, ओपन डिस्कशन है, आप हर कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो, आइडिया लगा सकते हो, क्या वो पूछते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। अब आप उस कंपनी में जाओगे क्यों, अगर आपको आपका एक्सपीरियंस डेवऑप्स पे नहीं है, तो आपका एक्सपीरियंस अगर फुल स्टैक पे है तो आप क्यों जाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बट HR पे कभी हमें वो नहीं होना है। HR यार उनको तो बस कहा जाता है इसलिए वो बोलते हैं कि ये पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए, उन्हें थोड़ी पता है कि React.js क्या है, जावा क्या है, उनको बस ये पता है कि ये टेक्नोलॉजी है IT के अंदर, यहाँ प्रोजेक्ट में यूज़ होती है, ये हमने बंदे से पूछना है जिसको हमने हायर करना है, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं। सो आई बिलीव गाइज, जितना आपको बता रहा हूँ ये आपको एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मतलब यू कैन से अगर आप HR से बात कर रहे हो, अगर आपको अपना राउंड, अगर आपको इंटरव्यू देना है, तो उस केस में आपको ये थोड़ी बहुत जितनी मैं बातचीत कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और जो वीडियो में था उसका एक हेल्प लेके कि हाँ मैं एक आपको एक कॉन्टेंट दे पाऊँ, आप समझ पाओ, तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं उस दौरान, अगर आप स्विच करने का सोच रहे हो या किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सो
आई बिलीव ये आज का जो व्लॉग है, जितनी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये आपको हेल्प करेंगे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग तक जाने के लिए। बाकी इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन आता है कि भैया इस केस में मैं कैसे हैंडल करूँ, जैसे मेरे को एक लास्ट पूछा गया था कि भैया अगर ऑफ़र के ऊपर ऑफ़र मिल गया, अगर मेरी करंट एग्जिस्टिंग कंपनी मुझे इतना ऑफ़र दे देती तो क्या मैं रुक जाऊँ वहाँ पे? तो बहुत अच्छा सवाल था उनका। देखिए, अगर आप रुक सकते हो और रुकना ख़राब नहीं होता, सारी बात आपके माइंडसेट की है, आपके ऊपर है। लोग क्या सोचेंगे? लोग तो बहुत कुछ सोचेंगे, लोगों को सोचने दो यार। आप अपना सोचो कि क्या आपको वहाँ रुक के उतना पैसा अगर मिल गया है तो क्या टेक्नोलॉजी मिल रही है, वो सब फ़ायदे आपको मिल रहे हैं? क्योंकि आपको इंडिविजुअल देखना है, आपको जो टास्क मिलने वाला है कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी को प्रूफ करने के लिए थोड़ी काम करना है, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपने असेसमेंट करना है, अपना करना है, ना कि सामने वाले के लिए करना है कि हाँ भाई उसे कैसा लगेगा। उसको जो लगेगा लगेगा। बहुत लोग कहेंगे नहीं भाई, अगर मैंने एक बार रिज़ाइन मार दे तो मैं वापस उस कंपनी में नहीं जाऊँगा, ठीक है? उनका अपना माइंडसेट है, मुझे अपना देखना है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या मुझे उससे फ़ायदा मिल रहा है और कि मेरी लाइफ पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितना नहीं पड़ रहा है, कितने बेहतर तरीके से मैं चीज़ें चला पा रहा हूँ, ठीक है जी? तो ये बहुत चीज़ें हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता और वो आप चीज़ें सीखते हो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। तो जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मैंने कहा चलो एक व्लॉग शूट करते हैं। और ध्यान रखिए अपना, अभी लॉकडाउन का टाइम बढ़ गया है 3 मई तक और आगे भी बढ़ सकता है, तो तैयार रहिए, अपने आप को तैयार कीजिए आने वाले चैलेंजेस के लिए। जो भी आप करंटली जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का भी इशू नहीं होता, बट ये है कि जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो उसको कितना बेहतर किया जाए एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो टाइम है घर पर रहिए, ध्यान रखिए अपना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा आपको। और मैं ऐसे और इंटरेस्टिंग सोचता रहता हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करता रहता हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग वे में आपको प्रेजेंट करूँ। तो मैं बिल्कुल क्रेडिट दे देता हूँ यार, जिस जहाँ से भी ये कॉन्टेंट आया, मुझे व्हाट्सएप पर आया, मैंने कहा चलो इसका यूज़ करते हैं और आपको एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाते हैं कि ऐसा भी होता है तो कैसे आपको वो हैंडल करना है। चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन ध्यान रखिए अपना और सेफ रहिए, फैमिली का ध्यान रखिए, और जब तक इम्पॉर्टेंट ना हो बाहर नहीं जाना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन ध्यान रखिए, टारगेट करते हैं इस व्लॉग पे 2000 लाइक्स का और मुझे उम्मीद है कि हम कर देंगे। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, ध्यान रखिए अपना।